तो गाइज मैं कर रहा था एडिट, तो एक सब्सक्राइबर का आता है मैसेज, भैया मिलना है। मैंने कहा चलो यार ठीक है, क्या दिक्कत है मिलने में। एंड टाइमिंग भी मैंने आफ्टरनून का दे दिया था। अब उनका मैसेज आता है, मैं एडिट ही कर रहा था, उनका मैसेज आया, देन हम लोग निकल गए। मैंने कहा चलो पहले मिल के आते हैं, एडिटिंग करेंगे बाद में। तो मिलना चाह रहे हैं, तो मैं सोचूं कि शाम के टाइम का मैं रखूंगा, टाइमिंग जो रखूंगा मैं शाम को रखूंगा। शाम को मिलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मैं आपको ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। क्योंकि इस टाइम मिलने से होता कि मैं ब्लॉग करते रहता हूँ, तो हो सकता है बहुत बार मैं ना मिलूँ, पास में ना रहूँ। और अभी भाई आ चुके हैं, तो उनसे मिल लेते हैं। और यार अच्छा लगता है अगर आप लोग आते हैं ना मिलने, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। पर भाई इतना ट्रैफिक क्यों? हाँ जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा। 1:40, 1:47 हो चुकी है, मतलब 2 बजने वाले हैं, 2 बजे इतना ट्रैफिक क्यों है समझ में नहीं आ रहा। एंड फिर उधर से जाना है KTM की 390 के डॉक्यूमेंट्स के लिए। प्रताप भैया बोले थे ट्यूसडे के लिए, एंड आज हो चुका है वेडनेसडे, तो इसलिए मैंने कहा वो भी पता कर लेंगे, क्योंकि 390 को बहुत जल्दी तैयार कराना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली भाई के पास में। कहाँ मिलेगा शिवम भैया? तो भाई को एग्जॉस्ट का साउंड सुनाना पड़ रहा है क्योंकि आस पास ही गई। कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, चल है। और भाई हाँ हाँ हाँ, बनारस ही हम गए, कहाँ गए? नहीं अच्छा, मैं निकला था हाँ बाहर, लेकिन मैंने बीच में अपडेट किया था जब मैं आया था बनारस। तो जाएगी भयंकर रास्ता बंद कर रखा है, तब भी R15 इतनी जगह में को घुसा दिए, लेकिन ट्रैक्शन से बंद हो जाती है बस हमारी गाड़ी, क्योंकि जोर नहीं लगाती ना। अभी हम लोग जा रहे थे उधर चाय पीने, फिर सोचा नहीं यार उधर चाय पी के क्या करेंगे, उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, फंस जाएंगे। वैसे मुझे KTM जाना ही है, तो KTM के बगल में जहाँ हम लोग चाय वाय पीते हैं वहीं पी लेते हैं मस्त, क्या दिक्कत है। तो वहीं अपना जो भी 5-10 मिनट बैठ के चाय वगैरह पी लेंगे मस्त एकदम, मेरा भी काम हो जाएगा। बूम भैया प्रणाम पाए लागू। और तो भाई लोग काम हो रहा है रेडी मस्त एकदम, चाय वाय पीते हैं आइए। तो गाइस बाइक का काम होगा कल डन। ओले जी ओले, बड़ा साउंड मैन, 35-40 की स्पीड पे भी क्या साउंड आ रहा है, बहुत प्यारा साउंड आ रहा है गाइस, लिटरली बहुत ज्यादा मधुर प्यारा स्वीट हार्ट की तरह साउंड निकल रहा है, मजा दे रहा है एग्जॉस्ट। अब इसकी आदत भी होने लगी है। एंड पता नहीं क्यों सौरभ भैया वाली बाइक में जब एग्जॉस्ट लगा था, तब उस बाइक की हैंडलिंग शायद, और उस बाइक का जो फ्रंट डैशबोर्ड था क्योंकि उस पे बबल वाइजर लगा था, ये वाला वाइजर नहीं था, तो इसलिए बहुत ज्यादा वो चेंज हो जाती थी, चेंज लगती थी। एंड ये जो है ना शायद अपने हाथ पे सेट है, इसलिए फील होता है कि नहीं भाई इरिटेटिंग साउंड नहीं, बहुत प्यारा साउंड है, बल्कि इनफैक्ट अच्छा लगता है। बट मैं फिर भी इसको ना चेंज कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। पुलिस वाले अंकल जी बोल रहे इधर से घूम के आओ, और हमें इधर से कितना लंबा आना पड़ेगा ये आप लोगों को पता ही होगा। ये तो गलत बात है शिवम भैया, हमारा घर तो यहाँ है, नॉट ए प्रॉब्लम। अभी हम लोग जा रहे हैं हेलमेट का वाइजर चेक करने, वाइजर अगर आ गया होगा तो वाइजर ले लेते हैं, क्योंकि भाई हेलमेट को चेंज करना मांगता है, लुक आनी चाहिए लुक। उस दिन मैं रात में आया था, उस दिन मुझे दुकान ही नहीं मिली थी। भैया वाइजर आ गया क्या? कब तक आएगा? ध्यान कर के मेरे कल परसों, 2 दिन और लगेगा, 2 दिन और ये आ रहा फौरन ही। अच्छा मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया। तो भैया के पास अभी भाई वाइजर आया नहीं है, तो वाइजर के लिए लगने वाला है अभी 2 दिन का टाइम, और उसके बाद मेरा हेलमेट ना बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है सच में, लिटरली मज़ा आ जाएगा भयंकर वाला। भैया के दिमाग से मिस कर गया था, क्योंकि इस बीच मैं भी दीपावली पे घर चला गया था, उसके बाद मैं 10-15 दिन उधर लगा, इधर आया तो मैं खुद भी नहीं इनके पास आया, उससे पहले भी मैंने कुछ कॉन्टेक्ट नहीं किया था। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बियर्ड वेड सेट कराने, क्योंकि दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत टाइम हो गया, क्योंकि इसकी सेटिंग हुई नहीं है। सेटिंग क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जिस बंदे से मैं अपनी दाढ़ी सेट कराता हूँ वो बंदा फरार था भाई कई दिन से। तो चलो अभी चलते हैं सैलून में, और आज आपका भाई मस्त एकदम भयंकर हैंडसम होकर आने वाला है। चलो फिर जल्दी से चलते हैं, वेट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। प्रणाम जी, कैसे हैं? तो गाइस क्या हाल चाल, फाइनली अपनी जो है बियर्ड वियर्ड सेट हो चुके भयंकर तरीके से, और यही शॉप है लोकल सी शॉप है जहाँ मैं अपनी बियर्ड सेट कराता हूँ। बट डजंट मैटर कि शॉप कैसी है, मैटर करता है कि काम कैसा होता है। स्पोर्ट बाइक में मजा तो है, लेकिन भाई तब तक
जब तक बस ये प्लेन जगह पे खड़ी हूँ। अगर आप इनको खड़ी कर देते कोई ऐसी जगह ना जहाँ से इनको निकालना बहुत मुश्किल हो, तब आपकी फटती है बहुत बढ़िया से। तो फाइनली भाई लोग हमारी दाढ़ी हो चुकी है भयंकर सेट एकदम। आप आपका भाई भयंकर हैंडसम लगने वाला है एंड मैं आपको दिखाऊंगा कल के ब्लॉग में। एंड मैंने सिर्फ अभी बियर्ड सेट कराई है, अगर मैं बाल बाल सेट करा लूंगा तो माँ की आँख क्या गजब लगता हूँ मैं, ये मुझे पता है। हाय देख रहे कैसे करती है एकदम पड़ 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 पड़। अच्छा साउंड दे रहा है यार ये वाला एक जो सच में अच्छा साउंड दे रहा है। मे भी मेरा मन कभी कभी तो करता है कि इसको मैं निकलवा दूं 8-10 दिन के अंदर ही, कभी कभी मन करता है कि इसको परमानेंट रख लूं, क्योंकि ये सच में इरिटेट नहीं कर रहा, उतना भी इरिटेट नहीं कर रहा। एंड हाँ डेफिनेटली माइलेज इससे ड्रॉप हुआ है क्योंकि 43 का माइलेज शो कर रही है अभी बाइक, और पहले मेरी जो नॉर्मली ऐसे चलने में 48 का माइलेज शो करती थी। तो मैं जल्दी इस पे वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि मैं इसको 10 दिन पहले यूज करूँ कि 10 दिन बाद मेरी बाइक में क्या क्या चेंजेस आए हैं एग्जॉस्ट लगवाने के बाद, जो कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बाइक में, वो मैं आपको कवर करूंगा 10 दिन के बाद। पहले मैं 10 दिन इसको यूज कर लूँ और इसी में मेरी एक लॉन्ग राइड भी हो जाएगी पटना की, 350-400 किलोमीटर की पड़ेगी, तो उसके भी प्रोज कॉन्स निकल के आ जाएंगे कि उस टाइम पे एग्जॉस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा था। एक्टिव हो जाओ लोंडो, अब डेली व्लॉग दे रहा हूँ मैं, मिलता आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बडीज, बाय बाय।